Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel English and Awareness Vogue. Before we start the video, please do subscribe to our channel and support us so that you continue with your spoken English studies with us, as well as you can decode in a simplified manner what latest is happening in India. मणिपुर 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 ये टॉपिक बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है. तो चलिए आज देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या अलग हुआ है, ठीक है, मणिपुर के बारे में. और हम और भी इंटरेस्टिंग न्यूज आज एक्सप्लोर करेंगे. तो ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल का, तो चलिए मेरे साथ देखिए क्या लिखा है. नो लॉ एंड ऑर्डर इन मणिपुर, सेंटर मस्ट स्टेप इन रिस्टोर पीस. अपोजिशन, नो लॉ एंड ऑर्डर इन मणिपुर. ठीक है, मणिपुर में अभी तक कितना सरप्राइजिंग है ये बात. ठीक है, जहां पे आर्मी डिप्लॉयड हो सकती है, ठीक है, जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, फिर भी वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेबल होने का नाम ही नहीं ले रहा है. तो यही लिखा है यहाँ पे, सेंटर मस्ट स्टेप इन. ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए. मस्ट स्टेप इन मतलब आगे आना चाहिए, ठीक है, इस बारे में और एक्शन लेना चाहिए और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए ताकि मणिपुर के हालात सुधर जाएं. ठीक है, रिस्टोर पीस, ठीक है, जो शांति वहां पे बनाने की कोशिश करनी चाहिए. रिस्टोर मतलब वापस से लेके आना, ठीक है, शांति को लेके आना चाहिए. अपोजिशन, ठीक है, कोलन के बाद लिखा है अपोजिशन, तो अपोजिशन ये राय रखती है, ये बोल रही है. आगे देखिए क्या लिखा है. ए टीम ऑफ 21 अपोजिशन MPs फ्रॉम इंडिया अलायंस. ठीक है, अब इंडिया सिर्फ कंट्री नहीं रही बल्कि अपोजिशन ने अपना एक अलायंस भी बना लिया है. ठीक है, तो ये लिखा है ए टीम ऑफ 21 अपोजिशन MPs. ठीक है, जो 21 अपोजिशन के जो MPs हैं उनकी जो एक टीम है फ्रॉम इंडिया अलायंस, जो इंडिया इन्होंने कोएलिशन जो अलायंस बनाया है वहां से, ऑन फाइनल डे ऑफ देयर 2-डे टूर ऑफ स्ट्राइफ टॉन मणिपुर. ठीक है, ऑन फाइनल डे, ठीक है, आखिरी दिन पर, ठीक है, ऑन देयर 2-डे टूर. ठीक है, वो मणिपुर 2 दिन के लिए गए, 2-डे टूर. ठीक है, लिखा है यहाँ पे, ठीक है, लिखने का तरीका है कि वो 2 दिन के टूर पर गए, ठीक है, मणिपुर में, ऑफ स्ट्राइफ टॉन मणिपुर. ठीक है, स्ट्राइफ का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट, जहाँ पे प्रॉब्लम हो, ठीक है, कन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही हो. तो वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज के 21 जो MPs हैं वो लोग वहाँ पे गए. टुडे डिमांडेड द सेंटर्स इंटरवेंशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मलेसी इन द स्टेट. टुडे डिमांडेड, उन्होंने डिमांड किया, ठीक है, उन्होंने, ठीक है, बोला कि आप ऐसा करो, ठीक है, एक तरह से डिमांड किया. द सेंटर्स इंटरवेंशन, ठीक है, कि सेंटर जो है इंटरवीन करे, सेंटर जो है वो बीच में आए. ठीक है, इंटरवीन मतलब इंटरफेयर करना, दखल अंदाजी करना एक तरह से. ठीक है, आए बीच में फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मलेसी इन द स्टेट, कि वहां पे दोबारा से शांति लाई जा सके. रिस्टोरेशन मतलब दोबारा से कोई चीज लेकर आना, ठीक है, ऑफ पीस. ठीक है, एंड नॉर्मलेसी इन द स्टेट, और जो स्टेट है वो नॉर्मल तरीके से अपना जो है जीवन जी सके, वहां के जो लोग हैं बेसिकली वहां नॉर्मलेसी बनी रहे. इस बारे में जो अपोजिशन पार्टीज के जो 21 MPs की जो टीम है उन्होंने अपनी डिमांड रखी है. आगे देखिए क्या लिखा है. अधीर रंजन चौधरी एंड गौरव गोगोई लीडर एंड डिप्टी लीडर ऑफ द कांग्रेस. जो अधीर रंजन चौधरी हैं, ठीक है, वो हैं लीडर कांग्रेस पार्टी के, एंड गौरव गोगोई, और गौरव गोगोई हैं जो डिप्टी लीडर हैं, ठीक है, यहाँ बताया गया है ऐसा, ऑफ कांग्रेस इन द लोकसभा रिस्पेक्टिवली. ठीक है, टीएमसी सुष्मिता देव. अब यहाँ पे जो जो MPs ने अपना टीम बनाई है, जो 2-डे टूर के लिए गए हैं मणिपुर में, उन सबका नाम लिखा गया है. देखिए क्या लिखा है. टीएमसी सुष्मिता देव, ठीक है, JMM's महुआ माझी, DMK's कनीमोजी, RLD's जयंत चौधरी, RJD's मनोज कुमार झा, RSP's NK प्रेमचंद्रन, JDU's राजीव रंजन सिंह एंड अनिल प्रसाद हेगड़े, CPI's पी संतोष कुमार एंड CPM's AA रहीम वर अमंग दोज पार्ट ऑफ द डेलीगेशन. ठीक है, डेलीगेशन का मतलब एक तरह से एक्ट ऑफ एम्पावरिंग. ठीक है, किसी चीज को आप किस चीज के बारे में खड़े हो रहे हो, स्टैंड कर रहे हो. ठीक है, डेलीगेशन का बेसिकली वो मतलब हो रहा है कि बेसिकली उन्होंने एक
ग्रुप बनाया है, ठीक है, 21 ओपोजिशन जो MPs है उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जो मणिपुर को एम्पावर, मतलब कि उसको एक तरह से एम्पावर करने के बारे में, शक्ति प्रदान करने के बारे में जो वो अपनी राय, अपना सजेशन आगे रख। इन ए मेमोरेंडम टू मणिपुर गवर्नर अनुसुईया उइके, ठीक है, जो मणिपुर की जो गवर्नर है अनुसुईया उइके, ठीक है, इन ए मेमोरेंडम, ठीक है, इन ए मेमोरेंडम टू मणिपुर गवर्नर अनुसुईया उइके। देखिए मणिपुर के गवर्नर का यहाँ पे नाम लिखा है अनुसुईया उइके जो है, इन ए मेमोरेंडम टू, ठीक है, एक मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब एक रिटर्न मैसेज, एक तरह से डॉक्यूमेंट देते हुए, किसको देते हुए, उन्होंने किसको दिया है, मणिपुर की गवर्नर को, जहाँ उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे अनुसुईया उइके, उनको दिया है। द MPs questioned Prime Minister Narendra Modi's silence, ठीक है, जो MPs हैं, जो 21 MPs हैं opposition के, उन्होंने question किया है, ठीक है, प्रश्न उठाया है एक तरह से, ठीक है, Prime Minister Narendra Modi's silence, कि Prime Minister जो नरेंद्र मोदी हैं वो क्यों चुप हैं, ठीक है, इस बारे में वो क्यों चुप है, and said it showed Modi's brazen indifference to the situation. It showed, ठीक है, ये दिखा रहा है कि जो मोदी जी का बहुत ही भयंकर, brazen मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा, बहुत भयंकर एक तरह से indifference to the situation, ठीक है, वो भेदभाव कर रहे हैं इस situation के लिए, ये जो situation create हो गई है, बहुत ही critical situation है, बहुत ही unfortunate situation है मणिपुर में, violence जो control नहीं हो रहा, तो वही opposition जो 21 MPs हैं, उनकी जो टीम है वो बोलना चाह रहे हैं कि मोदी जी इस पे क्यों चुप है, टू द सिचुएशन इन द स्टेट, ब्रेजन का मतलब जैसे अभी मैंने बताया बहुत ही भयंकर होता है, टू द सिचुएशन इन द स्टेट, नोटिंग दैट ए सेंस ऑफ एलिनेशन कुड बी फेल्ट अमंग द अफेक्टेड पीपल, नोटिंग दैट ए सेंस ऑफ एलिनेशन, ठीक है, यही फायदा है न्यूज़पेपर पढ़ने का कि हमें नॉलेज तो गेन हो ही रही है, ठीक है, साथ साथ हमें बहुत ही अलग अलग वर्ड्स पता चल रहे हैं और लिखने का तरीका भी हमें पता चल रहा है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। तो एलिनेशन का बेसिकली मतलब नोटिंग दैट ए सेंस ऑफ एलिनेशन कुड बी फेल्ट अमंग द इफेक्टेड पीपल, ठीक है, एलियन बेसिकली कौन होते हैं, एलियन वो लोग होते हैं जो दूसरे ग्रह के एक तरह से प्राणी जिनको हम बोलते हैं वो एलियंस हैं, ठीक है, ए सेंस ऑफ एलिनेशन मतलब बहुत ही अलग सी उनको फीलिंग आ रही है जो मणिपुर के लोगों को, ठीक है, वो ये बोलना चाह रहे हैं, जो अपोजिशन के जो 21 MPs हैं उन्होंने जो ग्रुप बनाया है, बेसिकली वो अपनी बात आगे रखना चाह रहे हैं कि जो मणिपुर के लोगों में एक अलग सी ही फीलिंग है कि उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, ठीक है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और जो मोदी जी साइलेंट हैं, ठीक है, उनके ऊपर वो क्वेश्चन उठाना चाह रहे हैं, कुड बी फेल्ट अमंग द इफेक्टेड पीपल, ठीक है, अपोजिशन MPs अर्ज द गवर्नर टू अपराइज द सेंटर ऑफ द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, ठीक है, द अपोजिशन MPs अर्ज द गवर्नर, जो अपोजिशन के जो MPs है, जो MP का ग्रुप है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, अर्ज मतलब रिक्वेस्ट करना, अपनी बात आगे रखना एक तरह से, द गवर्नर, गवर्नर मतलब कौन से गवर्नर की बात हो रही है यहाँ पे, जो मणिपुर के गवर्नर हैं जिनका भी अभी हमने नाम लिया है अनुसुईया उइके, ठीक है, उसकी बात हो रही है, ठीक है, अर्ज अ गवर्नर टू अपराइज, अपराइज मतलब इन्फॉर्म द सेंटर ऑफ द कंप्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है, जो सेंटर गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट है, उनको इन्फॉर्म करें, अपराइज द सेंटर गवर्नमेंट मतलब अपराइज मतलब एक तरह से इन्फॉर्म करना, ठीक है, सूचना दे, सॉरी, सूचना देना, ठीक है, ऑफ द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल तहस नहस, कंप्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है, बिल्कुल तहस नहस हुआ हुआ है मणिपुर में, एंड सीक सेंट्रल इंटरवेंशन, और जो सेंटर है वो इंटरवीन करे, ठीक है, वो बीच में आए, कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन निकाले। द मेमोरेंडम, द मेमोरेंडम साइंड बाय ऑल 21 मेंबर्स सेड, जो मेमोरेंडम है, जो रिटन मैसेज है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, साइंड बाय तो 21 मेंबर्स, ठीक है, जो 21 मेंबर्स है, 21 ओपोजिशन जो MPs ने अपना एक ग्रुप बनाया है मणिपुर के लिए, जो उन्होंने टू डे टूर किया है, उसके ही बारे में, ठीक है, उन्होंने मेमोरेंडम एक तरह से कंक्लूजन निकाला है, जो मेमोरेंडम बोलता है, वी अर्नेस्टली रिक्वेस्ट टू रिस्टोर पीस एंड नॉर्मलेसी, वी अर्नेस्टली, हम बहुत बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, अर्नेस्टली बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रेशर देके, जहाँ पे वर्ड बोलना होता है तो अर्नेस्टली वर्ड का यूज़ होता है,
रिक्वेस्ट यू टू रिस्टोर पीस, ठीक है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हम आपसे एक तरह से प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट का जो मतलब होता है टू रिस्टोर पीस एंड नॉर्मलिसी, ठीक है, आप वहाँ पे शांति दोबारा लेकर आइए, ठीक है, जो स्टेट के लोग हैं, ठीक है, वो नॉर्मल तरीके से अपनी जो जीवन है वो जी सकें, ठीक है, नॉर्मलिसी एक तरह से आप लेकर आइए, ठीक है, टेकिंग ऑल इफेक्टिव मेजर्स, ठीक है, आप सारे जो है इफेक्टिव जो पॉसिबल, ठीक है, सोल्यूशन है, मेजर्स हैं, मतलब इनिशिएटिव्स हैं वहाँ पे जो हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है स्टेट को, आप वो लीजिए, ठीक है, वेयर Justice should be the cornerstone, ठीक है, where justice, जो justice है, जहाँ पे जो justice है, मतलब एक तरह से उनको justice दीजिए आप, न्याय दीजिए वहाँ के लोगों को, should be the cornerstone. Cornerstone का मतलब होता है important quality, जहाँ पे justice जो है, जो न्याय है, वो सबसे पहली priority और important quality हमारा maintain करना चाहिए वहाँ पे मणिपुर में, in order to bring peace, harmony and rehabilitation in order to bring peace, harmony, ठीक है, वहाँ पे peace लेकर आइए, शांति लेकर आइए, harmony लेकर आइए, खुशी लेकर आइए, rehabilitation मतलब दोबारा जो लोगों का नुकसान हुआ है, ठीक है, उनके घर वालों का नुकसान हुआ है, वो चीज़ वहाँ पे दोबारा से establish करवाने में आप help कीजिए, ठीक है, एंड रीसेटलमेंट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन्स, ठीक है, और जो लोग हैं जो इफेक्ट हुए हैं इस चीज़ से, वायलेंस से, ऑब्वियसली बात है, इतने दिन वायलेंस चलता रहा, कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो रीसेटलमेंट उनकी करवाइए, ठीक है, वहाँ पे सेटल हो जाए सब कुछ, ठीक है, उसके लिए आप हेल्प कीजिए, इज मोस्ट अर्जेंट, ये सबसे ज़्यादा अर्जेंट है, मतलब प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है, ये पहली चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है.